क्योंकि रानी परी ने बताया कि बालवीर का सुरक्षा चक्र केवल भयानक लोक में ही तोड़ा जा सकता है। वाह, ये तो कमाल की सूचना है। मैं तो ऐसे ही चिंता कर रही थी। है होता कुत्ता भी शेर अपनी गली में। नाराज तराज तुम दोनों परी लोग जाओगी, लेकिन भयंकर परी तुम वहां हमारी भेदी बनकर जाओगी। तुम हमें सूचनाएं देती रहना और मैं तुम्हें तोहफे देती रहूंगी। हम समझ गए भयंकर परी, अब देखना कैसे हम दोनों भेदी परी लोग के सारे भेद आपको बता देंगे। बालवीर, मांटू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मानव और मैर को कभी परेशान मत करना, फिर भी तुमने मानव और मैर को परेशान किया। कर रहे हो ना, बोलो। नहीं 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 बालवीर जी, ये आपको किसने कहा? मैंने मानव जी और मेहर जी को तो अपना बॉस बना लिया है। आप कहे तो मैं पूरे स्कूल के सामने उन्हें बॉस जी कहने को तैयार हूँ। सिर्फ सामने सामने सम्मान देने से कुछ नहीं होता, दिल में भी सम्मान होना चाहिए। तुम तो मन ही मन मानव और मेहर को परेशान करने की सोचते हो। नहीं, चुप। मैं मन ही मन सोच रहा था। प्लीज मुझे एक बार प्लीज माफ कर दो, प्लीज प्लीज एक 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 बार प्लीज बालवीर जी, आगे से मैं मन में उन्हें परेशान करने की नहीं सोचूंगा। सच्ची में बालवीर जी, नहीं सोचूंगा, प्लीज। आगे से तुम उन्हें मन में भी परेशान नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें मधुमक्खी बना दूंगा। मधुमक्खी? नहीं मधुमक्खी नहीं बालवीर जी, प्लीज माफ कर दो, माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो, सॉरी, माफी, सॉरी प्लीज। नहीं नहीं, मुझे मोंटू ही रहने दो, प्लीज प्लीज मुझे मोंटू बना दो, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मत मारो मुझे। प्लीज मुझे मोंटू बना दो, प्लीज। चीटिंग है बालवीर, सिर्फ मधुमक्खी बनाने की बात हुई थी, मारने की नहीं। अच्छा। अरे क्या हुआ, हम लोग कब से आ खड़े और तू कब से बालवीर बालवीर चिल्ला रहे? अरे यार, उस बालवीर ने तो पूरा परेशान करके रखा है। एक तो उसकी वजह से रात को नींद नहीं आती, अभी 2 मिनट के इधर नींद लगी, आ गया सपने में। तुम लोग मेरे पे हंस रहे हो, मेरे पैसों पे ऐश करते हो और मेरे पे हंसते हो। अभी आओ तुम लोग मोबाइल मांगने के लिए, ठेंगा देता हूँ ठेंगा, और मेरे गाड़ी में बैठने के तो सपने ही देखो अभी तुम दोनों। अच्छा मोंटू रुक, शांत शांत, एक बात बता, इंसान चांद पे कैसे पहुंचा? रॉकेट से। गलत, दिमाग से। अब तू भी अपना दिमाग लगा और बालवीर को अपना दोस्त बना ले। बालवीर को अपना दोस्त बना ले, वो क्या तुम दोनों जैसा है जो पैसों के लिए मेरा दोस्त बन जाएगा? पैसे के लिए नहीं, लेकिन मानव मेहर के लिए जरूर तेरा दोस्त बन जाएगा। हाँ, अगर तू मानव मेहर को अपना दोस्त बना लेगा
तो बालवीर तेरा अपने आप दोस्त बन जाएगा। क्या आइडिया दिया है बॉस। अब तुम दोनों देखना कि मैं उन दोनों के साथ क्या करता हूँ। जब हमारे स्कूल में बॉल पेन अलाउड है तो तू दादाजी की फाउंटेन पेन क्यों यूज करती है? बार बार इंक भरने का कितना झंझट है इसमें। तू नहीं समझेगा, जो बड़े होते हैं ना वो फाउंटेन पेन से लिखते हैं, और मैं बड़ी हूँ इसलिए मैं फाउंटेन पेन से लिखूंगी, तू बॉल पेन से ही लिख। दादाजी का पूरा चोपड़ा खराब कर दिया। पता है दादाजी का पूरा अकाउंट इसमें लिखा हुआ था, उनकी सारी मेहनत पे तूने इंक मिला दी। तू इतना क्यों घबरा रहा है? ये क्या बोल रही है तू मेहर? दादाजी को पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए तू भी थोड़ा घबरा मेरे साथ। मैं क्यों डरूं? मेरे पास बालवीर है, मैं उसको बुलाऊंगी और वो चोपड़ा साफ कर देगा। अभी बुलाती हूँ। बालवीर जल्दी आओ, दादाजी का चोपड़ा साफ कर दो। रे, ये तो छोटी छोटी बात के लिए बालवीर को ही बुला रही है। हाँ, इस बार नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए इस बार नहीं जाऊंगा, वरना इसे आदत पड़ जाएगी। नहीं, अगर इस बार नहीं जाऊंगा तो दादाजी को बुरा लगेगा, उनका चोपड़ा साफ नहीं होगा। हाँ, इस बार चला जाता हूँ, आगे से नहीं आऊंगा। क्यों बुलाया मुझे? बालवीर दादाजी का चोपड़ा साफ कर दो ना। मेहर, बार बार मुझे ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए बुलाया मत करो। पहले भी तुमने मुझे गैस बंद करने के लिए बुलाया था, और अब ये चोपड़ा साफ करने के लिए। मेहर, अभी मैं सिर्फ दादाजी के लिए आया हूँ, उन्हें परेशानी ना हो इसलिए मैं ये चोपड़ा साफ कर देता हूँ। ओके ओके, अब तुम ठीक कर दो, बात की बाद में देख लूंगी। हे नटखट परी, कर दे चोपड़ा साफ चकाचक, मानो मेहर खुश हो जाए फटाफट। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? अरे क्या कर दिया भाई साहब? सॉरी, ये इतना साफ नहीं करना था, उसके ऊपर जो लिखा है वो तो ला दो। चोपड़े को कर दे ऐसा इसमें लिखा था पहले जैसा। थैंक यू। देखा, तू फालतू में घबरा रहा था, अब तू देखना मैं बालवीर से अपने सारे काम करवाऊंगी। माँ बिस्तर लगाने को कहेगी तो मैं उसे बुलाऊंगी, और अपने बुक्स में कवर चढ़ाने के लिए भी उसे बुलाऊंगी। अरे, इस पर तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा, ये तो वैसे की वैसी है। अब तेरा क्या होगा बालवीर? नाराज परी, ताराज परी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। गई पकड़ी चोरी आप दोनों की है, जानते हम चुप चुप के आप दोनों कहां गए थे। डूबा डूबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नटखट परी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रानी परी को ये बात मत बताना। अरे हे रही, घबरा क्यों ऐसे, जैसे हुए हुई भयंकर भूल आपसे जिसका हमें भी नहीं पता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। वैसे कौन सी ऐसी भूल के बारे में पता चला है तुम्हें हमारी? भूल की आपने तो बताओगे आप ही,
नहीं नहीं, पहले तुम बताओ ना। नहीं नहीं, आप बताओ। अरे छोड़ो, मैं बताती हूँ। तुम दोनों की भूल ये है कि तुम दोनों काल दिशा की ओर चली गई थी, जबकि रानी परी ने उस दिशा में जाने से मना किया है, क्योंकि उसी के आगे भयानक लोक है। कहीं तुम लोग भटक कर भयानक लोक पहुंच जाती तो? माफी नटखट परी, वो दरअसल हम तो अपने पंखों के व्यायाम के लिए बस इधर उधर यूं ही निकल गए थे। अगर तुम लोगों को पंखों का व्यायाम करना था तो तुम लोग परीलोक के इर्द गिर्द भी चक्कर लगा सकती थी। नटखट परी, है रखती ख्याल कैसा आप अपने पंखों का, करवाते हो आप कैसे इनका व्यायाम? डूबा डूबा एक, तुम भूल गए, नटखट परी तो पृथ्वी लोक आती जाती रहती है, उसी से तो उनके पंखों का व्यायाम हो जाता है। अरे हाँ, याद आया पृथ्वी लोक से, है बालवीर कैसा वहाँ? बहुत खुश है, सास सचो के परिवार में रह रहा है, वहाँ सबका दिल जीत लिया है उसने, और बहुत ही जल्दी पृथ्वी लोक के सारे बच्चों का भी दिल जीत लेगा। शुक्रिया नटखट परी, बालवीर से संबंधित जानकारी देने के लिए, ये जानकारी हमारे बहुत काम आएगी। मतलब क्या? जानकारी ये कैसे काम आएगी आपकी? बताओ बताओ। अरे डूबा डूबा, बालवीर के बारे में जानने का हमें भी तो हक है ना, हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमारा प्यारा बालवीर आखिर है कैसा। नटखट परी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम उड़ उड़ कर बहुत थक गए, हम जाकर थोड़ा विश्राम कर ले। खुश रहिए आप सब। हाँ खुश रहो, खुश रहो। ठहरो, गए थे आप लोग क्या सचमुच व्यायाम ही करने? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। ओ है फिर ठीक, हमारे बॉस हो ना, तो मुझे हर रोज सलाम करने आना पड़ेगा ना मेहर जी, मानव जी। जी मोंटू, ये जीजी का क्या चक्कर है? अरे मोंटू आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अब तो आप लोग हमारे बॉस हो ना, तो आपको जीजी कह के ही बुलाना पड़ेगा ना, और वैसे भी आज के इनके सपने के बाद तो जी लगाए भी ना बात ही नहीं करेगा मोंटू। सपना? कौन सा सपना? वो इनको सपने में किसी ने बताया कि रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, इसलिए जीजी कर रहा है मोंटू। ठीक है आओ। थैंक यू। आओ बैठो। अरे तुम नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर बैठो। नहीं नहीं नहीं, आप दोनों हमारे बॉस हो ना, आप दोनों बैठो ऊपर, हम लोग नीचे ही ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मोंटू जी, आप ऊपर ही बैठो। अच्छा अच्छा, बॉस बोल रहे हैं ना, चलो चलो बैठो ऊपर। थैंक यू बॉस। थैंक यू बॉस। अच्छा मोंटू जी, ये आप अभी जी करके बोल रहे हो, लेकिन बाद में डिशुम तो नहीं करोगे ना? अरे क्या बॉस, आप बच्चे का मजाक उड़ा रहे हो, वो डिशुम वाला मोंटू ना कब का बदल गया, और आप मुझे मोंटू जी ऐसे मत बुलाओ, आप मुझे ऐसे बुलाओ, ए मोंटू, ओए मोंटू, ऐसे बुलाया करो। मोंटू ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अब तक मोंटू ने आपको जितना भी सताया है उससे ज्यादा, अरे अरे डरिए मत, उससे ज्यादा वो आपका भला करेंगे। ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए मैं महंगा वाला फोन लाया हूँ, देखो
अरे लो लो देखो, अच्छा एकदम अच्छा। चलो मैं ही बताता हूँ, ये देखो इसके अंदर वो क्रोकोडाइल वाली गेम है, जिसके अंदर ना वो बंदर क्रोकोडाइल की पीठ पे बैठता है और जब भी क्रोकोडाइल उसको खाने को आता है वो भाग जाता है। हाँ दिखाना जरा। अरे व्हाई नॉट बॉस। अच्छा है ना बॉस जी? हाँ बहुत अच्छा है। तो आप भी रख लो, मैं दूसरा ले लूंगा बॉस जी। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे पापा ही दे देंगे। मेरा बर्थडे आने वाला है ना, तभी पापा मुझे गिफ्ट में दे देंगे। अरे आपका बर्थडे आ रहा है ना, तो आप ये गिफ्ट समझ के रख लो। हाँ हाँ ले लो। हाँ, हाँ, ले लो ले लो, मैं दूसरा ले लूंगा। अरे इतना क्या सोच रही हो मेहर जी, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं ना, अभी तो मैं आपको एक गिफ्ट नहीं दे सकता। नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये लो मुझे पापा गिफ्ट में दे देंगे, है ना? तौबा तौबा, खेलना बंद करो। नहीं मैं खेल रहा हूं, मैं सोच। तो फिर जल्दी सोचो तौबा तौबा, बालवीर का सुरक्षा चक्र कैसे तोड़ा जाए, उसे यहाँ कैसे लाया जाए, जल्दी सोचो। आया उपाय मेरे दिमाग में, तेल बनवा यहाँ पर एक मनोरंजन उद्यान, जहाँ पर तरह तरह के झूले, जहाँ पर तरह तरह के पानी के झरने, आ जाएंगे यहाँ बच्चे पृथ्वी लोक से खेलने कूदने मजा करने। बेकार के सुझाव दे रहे हो, करोड़ों बच्चे हैं धरती पर, उनका मनोरंजन कैसा करना है ये नहीं पूछा मैंने, पर क्यों नहीं यहाँ कैसे लाया जाए और उनकी मदद करने के लिए बालवीर यहाँ कैसे आए ये सोचो। बेवकूफ हो तुम, आगे से तुम कुछ नहीं सोचोगी, समझे? हाँ, वो समझती आप तो मुझे, गधा, बेवकूफ, कम अकल, बेकार, बिल्कुल आपकी तरह। तौबा तौबा, ऐसी कौन सी चीज है जिसका लालच देकर पृथ्वी लोक से बच्चों को यहाँ लाया जा सकता है? हाँ, है मुझे पता। हाँ? पर बताऊंगा नहीं मैं आपको। पसंद खाना चॉकलेट, और है उनको पसंद, हाँ है उनको पसंद मोबाइल, करते हैं बातें वो अपने दोस्तों से, आ सकते हैं खेल नए नए गेम्स, सकते हैं सुन नए नए गाने, और है पसंद उनको, है पसंद उनको। बस मिल गया मुझे जो चाहिए था, एक ही चीज में इतने सारे लालच, मोबाइल। चाहिए क्यों मोबाइल आपको? उनके लिए। अब मोबाइल बनेगा मेरा हथियार, जिससे मैं बच्चों को यहाँ लाऊंगी और उन्हें बचाने के लिए बालवीर को भयानक लोक में आना ही पड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.